हेलो चिल्ड्रन हाउ आर यू होप यू आल आर फाइन आई एम सरिता दास टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कचना टुडे वी विल स्टडी लेसन थर्टी थ्री द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स बच्चों हमने इसके पहले लेसन में देखा था जानवरों का संसार और अभी हम देखेंगे पक्षियों का संसार इन दिस लेसन यू विल लर्न द यूज ऑफ दीज एंड दोज बच्चों इसके पहले लेसन में हमने दीज और दैट देखा था दीज का प्रयोग हम कब करते हैं जब कोई एक वस्तु हो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं ठीक है और दीज टी एच ई एस ई दीज का प्रयोग हम कब करेंगे जब बहुत सारे बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास होती हैं ठीक है और हमने दैट का प्रयोग किया था दैट का प्रयोग क्या कब किया था कोई एक वस्तु रहती है और वो दूर में हो तब हम दैट का प्रयोग करते हैं और बहुत सारी वस्तुएं हो और वो दूर में हो, तो उसके लिए हम दोस्त का प्रयोग करते हैं तो बच्चों आज देखते हैं हम यहाँ पर देखो चित्र में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक अंकल दिखाई दे रहे हैं और वो अंकल बच्चों को कुछ चिड़िया दिखा रहे हैं ठीक है ठीके? कम से आओ बच बच्च, देखो बच्चों दीज आर डक्स बच्चों यहां पर बहुत सारे बतखे हैं और वो बतखे हमारे पास में हैं इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं दीज आर डक्स ये बतखे है, हैं बतखे हैं लुकृति These are देखो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे तोते हैं तीन चार तोते हैं इसके लिए हमने दीज का प्रयोग किया है टी एच ई एस सी दीज ठीक है देखो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे कौवे दिख रहे हैं ठीक है लेकिन वो हमसे दूर में दिखाई दे रहे हैं हमें दूर से दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे दोज आर क्रोज ये कौवे हैं बच्चों यहाँ पर देखो बहुत सारे कबूतर दिख रहे हैं लेकिन ये कबूतर दूर में दिखाई दे रहे हैं इसीलिए हम इसको बोलेंगे दोज आर पीजंस पीजं यानी कबूतर अब अग... बच्चों देखो इस चित्र में बहुत से मोर दिखाई दे रहे हैं और पास में हैं इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे दीज आर पिकॉक्स पिकॉक्स यानी मोर बच्चों देखो यहाँ पर इस चित्र में देखो बहुत से उल्लू दिखाई दे रहे हैं और वो हमसे दूर 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 में दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे लुक कृति दोज आर आउल्स आउल्स आउल एन उल्लू बच्चों देखो यहाँ इस चित्र में देखो खूब सारे क्या दिख रहे हैं डग्स दिख रहे हैं डक्स डक डन बत्तख तो पास में हैं और बहुत सारे हैं इसीलिए हम इसको बोलेंगे दीज आर डक्स ओके अब देखो बच्चों इस चित्र में बहुत सारे तोते दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये तोते हमारे पास में हैं ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे दीज आर पैरट्स ये तोते हैं अब दूसरे चित्र में देखो बच्चे बहुत सारे कौवे दिख रहे हैं लेकिन वो कौवे दूर में हैं तो दूर में है इसलिए हम इसको इनको बोलेंगे दोज आर क्रोज वो कौवे हैं अब देखो यहाँ पर बहुत सारे कबूतर दिख रहे हैं लेकिन वो भी दूर में हैं इस चित्र में तो इसको हम बोलेंगे दोज आर पीजें वो कबूतरे हैं उसके बाद देखो बच्चों यहां पर बहुत से उल्लू दिखाई दे रहे हैं और ये उल्लू भी दूर में हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे दोज आर आउल्स वो उल्लू हैं अब यहाँ पर बच्चों देखो बहुत सारे पिकॉक्स दिख रहे हैं मोर दिख रहे हैं लेकिन दूर में हैं इसलिए हम दूर के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग करेंगे दोज तो दोज आर पिकॉक्स बच्चों अब हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ दीज आर दोज बच्चों हमने अभी दीज कहाँ पर प्रयोग करते हैं और दोज कैसे प्रयोग करते हैं इसको देखा अब हम यहाँ पर देखेंगे देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रही हैं है ना? और इसमें हमको आ, बताना है कि क्या है पहले चित्र में तो हमको बताना है कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमको और तीसरे और चौथे नंबर के चित्र में हमको पूरे सेंटेंस को बनाना है पास में है या दूर में है पास में हैं तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे और दूर में है तो कौन सा प्रयोग करेंगे ठीक है तो देखो बच्चों ये दीज दिखा हुआ है और चित्र में क्या है बॉल है लेकिन एक से अधिक बॉल है इसलिए हम इसको बॉल नहीं बोलेंगे बॉल्स बोलेंगे और इसीलिए इसको बोलेंगे दीज आर बॉल्स क्योंकि ये पास में है ठीक है अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चिटियाँ हैं लेकिन दूर में हैं तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे दोज तो इसके इससे कैसे कहेंगे सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम दोज आर एंड्स ओके अगले चित्र में देखो बच्चों ये फैंस हैं लेकिन ये फैन चित्र में हमको पास में दिखाई दे रहे हैं इसीलिए हम इसको बोलेंगे दीज आर फैंस ये पंखे हैं और बच्चों देखो अगले चित्र में बिल्लियां दिख रही हैं लेकिन बिल्लियां दूर में हैं और जब दूर में होते हैं तो क्या किसका प्रयोग करते हैं दोज का प्रयोग करते हैं तो हम इसको बोलेंगे दोज आर कैट्स ओके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों हमको मैच करना है ठीक है पहले चित्र में देखो एक एक, एक एक है सिंगल है कोई भी बर्ड है वो सिंगल है जैसे क्रो है एक है तोता एक है डक एक है और क्रेन एक ही है पीजन भी एक ही है लेकिन दूसरे में बहुत सारे दिख रहे हैं ठीक है तो उसको मिलान करना है पहले चित्र में क्रो है तो हम किसको किसके साथ मिलान करेंगे उसको क्रोस के साथ करेंगे ओके देखो दूसरे चित्र में पैरोट दिख रहा है एक दिख रहा है लेकिन हम इसको पैरोट्स मतलब बहुत सारे पैरोट्स उसके साथ मिलान करेंगे डक है तो उसको डक्स के साथ मिलान करेंगे क्रेन है तो क्रेन्स के साथ मिलान करेंगे और पिजन को पिजन्स के साथ मिलान करेंगे ठीक है ठीक है बच्चों यहाँ पर देखिए हमने जो यहाँ पर मैच किया है एक तोता देखा एक कौवा देखा एक डक देखा ठीक है तो ये एक है तो एक को बच्चों एक वचन कहते हैं हिंदी में और जब बहुत सारे रहते हैं उसको बहुवचन कहते हैं लेकिन इंग्लिश में हम जब एक होता है एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं और जो बहुवचन है बहुत सारे होते हैं है, बच्चों उसको प्लोरल कहते हैं ठीक है बच्चों आज का होमवर्क है यहाँ पर एक पज़ल दिख रहा है पजल यानी पहली दिख रहा है ठीक है और अभी हमने क्या पढ़ा हमने पक्षियों के बारे में पढ़ा तो यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम छुपे हुए हैं उसको हमें ढूंढना है ठीक है तो घर में इसको ढूंढना और अपने नोटबुक में नोट करना मैं एग्जाम्पल के लिए बच्चों देखो यहाँ पर तीसरी लाइन में थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ है क्रो दिखा क्या हाँ ठीक है यहाँ पर लिखा है C R O W क्रो तो बच्चों इसी प्रकार इसमें तुमको बहुत सारी चिड़ियों के नाम दिखेंगे और उन चिड़ियों के नाम को ढूंढ करके उस उसको आ, गोला करेंगे ठीक बच्चों यहाँ पर देखो क्रो क्रो तो एक है लेकिन बच्चों कुछ जो पक्षियों के नाम हैं वो प्लूरल में भी हैं ठीक है तो उन प्लूरल्स के नाम को भी ढूँढेंगे अपन ठीक है और अगला होमवर्क है बच्चों ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन योर इंग्लिश नोटबुक अपने सबसे पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाना है अपनी इंग्लिश की कॉपी में और दूसरा है राइट नेम्स ऑफ फाइव बर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक बच्चों पांच पक्षियों के नाम लिखने हैं तुम्हारे इंग्लिश की नोटबुक में थैंक यू बच्चों